एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप लोग का पूजा के फिर से एक नए ब्लॉग वीडियो में। तो आप लोग सब लोग कैसे हो गाइस? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में मस्त होंगे। तो ये शाम से ब्लॉगिंग मैंने स्टार्ट किया था, जैसा कि पिछले ब्लॉग वीडियो में आप लोग ने देखा होगा उससे आगे की ये जो लोग की शैतानियाँ चल रही है, जैसा कि शाम का टाइम है तो शाम के टाइम हर बच्चे लोग को थोड़ा सा खेलना ज़रूरी है। तो ये बाबू बाहर खेल रही है भैया लोग के साथ, तो वहीं पे बैठ के मैं इसे देख रही थी, क्योंकि थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाओ ना तो वो रोने लगती है कि मम्मा मम्मा, और झूठ का भी बोलने लगती है कि मार मार, मतलब मुझे मार दिया, गाल को ऐसे से दिखाने लगती है, नौटंकी करने लगती है। उसका आदत ऐसे देख सकते हो आप वो ना, मतलब मैं वहाँ बैठी हुई रहती तो बहुत अच्छे तरीके से खेलती है। और ये देख सकते पीछे से मुझे पीट रही है, ज़बरदस्ती आके कंधे पर चढ़ने की कोशिश कर रही है, और पीछे से लकड़ी भी लिए कि सबको दौड़ा रही थी। बच्चे लोग को खेलते हुए देख के बहुत अच्छा लगता है। और ये अब चलने लगी ना, तो पहले सोचती थी, छोटी थी तो सोचती थी कि कब चलेगी मेरी बेटी, कब चलेगी, कब पापा बोलेगी, कब मम्मा बोलेगी। और धीरे 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 ना सारा टाइम आने लगता है, सब कुछ होने लगता है, सब वक्त ना बहुत जल्दी जल्दी बीतने लगता है। लगता है कि बचपन ही ठीक था, छोटी थी तो ठीक था, अब थोड़ी सी बड़ी हो गई, फिर थोड़ी सी और बड़ी हो जाएगी, ऐसे करते करते बड़े बच्चे होते रहते हैं। तो ये देख सकते हो पीछे मैं उसे मना कर रही हूँ कि परी अब मत करो, परी अब मत करो। तो अब मैं इससे, ये शाम के टाइम था 5 बजे, तो डॉक्टर के पास मैं जा रही थी इसे दिखाने के लिए, क्योंकि ना डॉक्टर साहब बोले थे कि इसका तबीयत ठीक भी हो जाएगा ना तो एक बार आके चेकअप करवा लीजिएगा। तो 5 दिन हो चुका था, तो मैं सोची इसे एक बार दिखा ही लेती हूँ। तो शाम के टाइम गई थी डॉक्टर के पास, और वहाँ जाने के टाइम का ये वीडियो है। चल जाएंगे ना, ना हम भी जा रहे बेटा घूमने, चलो चलो हम भी जा रहे हैं। गाइस अब मैं और परी ऑटो पे बैठ चुके थे, मैं परी और मम्मी गई थी इसे दिखाने के लिए। यहाँ वहाँ जाकर देखते हैं कि क्या होता है, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं या नहीं बैठे हुए। तो वहाँ जाके पता चला कि डॉक्टर अभी नहीं बैठे हुए, 1 घंटे में आएंगे। तो 1 घंटा वहाँ वेट करना पड़ा, और परी को देख सकते हो वहाँ एक फ्रेंड मिल गई जिसके साथ वो बाहर में खेल रही थी। बहुत ज़्यादा इधर सीधा जैसे इसके पीछे पीछे रहना पड़ता है, मार्केट मतलब बाहर लेके जाने में बहुत टेंशन है बच्चे लोग को। तो वहाँ पर ये लड़की के साथ पीछे ना उसे बार बार बुला रही थी खेलने के लिए कि मतलब आओ मेरे साथ खेलो। तो यहाँ फिर मम्मी के साथ वहाँ पे शांति से जाके वहाँ पे बैठ गई, और थोड़ी देर हम लोग बैठे, उसके बाद ना चेकअप वकअप हुआ, ये सब मतलब हुआ, और उसके बाद हम लोग घर पहुँचे। घर पहुँचे रात हो चुका था, 7 बजने वाला था। तो सब लोग घर में बोले कि आज खाना नहीं खाने का मन है, तो हम लोग लग गए ब्रेड पकौड़ा बनाने की तैयारी में। ब्रेड पकौड़ा बनने वाला था, तो ये उसकी तैयारी चल रही है। तो मतलब ना सारा चीज़ मैंने कर लिया था, उसे ना चोखा उखा जो आलू उलू होता है, आलू उलू सब मैंने भूंज लिया था। और उसके बाद उसे ना मतलब कट कर करके ब्रेड को कट करके, और उसके बाद उसको मतलब छानना था। तो मैं ये जल्दी जल्दी ब्रेड को कट कर लूँगी, और उसमें चोखा ऐड कर, मतलब चोखा को उसमें लगा लूँगी, और उसके बाद छानना सिर्फ रहेगा। तो ये आज तो रात में खाना बना नहीं, यही 2-3 पीस खा के सब लोग, चाय और ब्रेड पकौड़ा खा के सब लोग सोएंगे, क्योंकि रोज़ रोज़ ना चावल दाल भी खाने का मन नहीं करता है। कभी कभी होता है कि कुछ अलग खाएं, तो ऐसा मतलब मेरे घर में हमेशा होते ही रहता है। तो ये देख सकते हो आप लोग, ये मैं यहाँ पे इसमें हल्दी थोड़ा सा ऐड करी थी, क्योंकि हल्दी कम लग रहा था, तो और थोड़ा सा, और मैं इसमें बेसन ऐड की थी, बेसन भी डाली थी, थोड़ा सा पानी और नमक भी ऐड की थी, हल्का नमक डाली थी, ज़्यादा नमक नहीं डाली थी। और उसके आगे आप देख सकते हो मैं उसे भरूँगी। तो आप लोग गाइस ब्लॉग वीडियो में बने रहना, और अगर अब नए आए हो मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर आप लोग को मेरी वीडियो देखना पसंद हो तो। ठीक है, तो कंटिन्यू। Thank you.
फाइनली गाइस मेरा ब्रेड पकौड़ा बन के हो चुका है रेडी। आप लोग देख के ज़रूर बताना है कि देखने में कैसा लग रहा है। देखने में अच्छा लग रहा है तो खाने में भी अच्छा लगेगा ज़रूर। जो चीज़ देखने में अच्छा लगता है वही चीज़ खाने में भी अच्छा लगता है। जब देखने में ही अच्छा नहीं लगेगा तो खाने में क्या अच्छा लगेगा। और आप लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना है कि देखने में कैसा लग रहा है। और बहुत टेस्टी बना था। इधर परी को भी मैंने तोड़ के दे दिया था तो परी भी खा रही थी। और इसको देख सकते हो आप, ये परी क्या नौटंकी कर रही है। इधर इधर रुको तो, सीधा 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 क्या हुआ बता पहले, क्या हुआ, क्या कौन मारा, कौन मारा, कौन मारा, कैसे मारा बेटा, कौन मार दिया, कौन मारा बेटा, बेटा को कौन मारा, बेटे को कौन मारा रे, कौन मारा गोलू पहले बता, कौन मारा, इधर आ, इधर आ, कौन मारा बेटू को, अमर वो मारी है, वो मारी, रुको मार दो, मार दो, मार मार, हाँ मारो मारो, पीटो 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 पीटो, बात तो मैं खिला उला के अपरी को फ़ोन दे दी खेलने के लिए, देखने के लिए। और उसके बाद मैं लग गई अपने कामों में, क्योंकि दिन में तो टाइम मिलता ही नहीं है। तो मैं सोची अभी फ़ोन देख रही है परी, तो अभी मैं थोड़ा सा मतलब कर लूँ जो भी काम है सब। ऊपर ना झोल उल सब लगा हुआ था तो मैं उसे झाड़ उड़ के और उसके बाद फूल उल ना अच्छे तरीके से लगा ली। और रेकुक थोड़ा सा साफ़ कर ली, रेकुक भी धूल धक्कर हो गया था तो साफ़ कर लिया। उसके बाद बेड उड़ झाड़ूंगी, दोनों बेड भी मतलब ना दिन भर गंदा होते ही रहता, जिसके घर में बच्चा है ना उसके घर में बेड गंदा होगा ही होगा। और घर में कितनी बार झाड़ू, अनगिनत बार झाड़ू लगते हैं। तो ये मैं लग गई उधर वाला बेड साफ़ करने के लिए। उधर वाला बेड जब से पापा गए हैं तब से खाली रहता है, लेकिन फिर भी दिन में उस बेड पर भी परी खेलते रहती है, इसलिए वो बेड भी कचरा होता है और उस बेड को भी झाड़ना पड़ता है। और तो मैं जल्दी जल्दी उस बेड का ना मतलब कमल उमल था, कमल उमल भी दिन में उड़ती उड़ती है परी, तो वो ना इधर उधर होते रहता है। तो कमल उमल सब मैं फोल्ड कर रख दूंगी। अभी कमल रखने का टाइम नहीं हुआ, ऐसे ठंडा गर्मी आते रह रहा है इसलिए कमल नहीं रखाया है अभी, लेकिन कमल जल्दी अब रखा ही जाएगा क्योंकि धूप हुआ बारिश होना बंद हो गया है। तो देखती हूँ कब तक मतलब थोड़ा बहुत ठंड रहता है। अभी तक कमल ओढ़ने का पतला वाला कमल ओढ़ने का ठंड है ही, मतलब सब जगह समझिए तो है, अभी रखाया नहीं है सबका कमर। और छोटे बच्चों के लोग का भी स्वेटर भी नहीं रखाया है। ऐसे ही परी भी घर में इनर सब पहनती है, मतलब इनर नहीं पहने तो ठंड लगता है। हम लोग ही ना मतलब कभी कभी उतना शॉल ओढ़ लेते हैं, हल्का हल्का ना मतलब स्वेटर पहन लेते हैं, कभी कभी ना सुबह के टाइम लगता है ठंड अभी। तो ये मैं रेड वाला बेलशीट इस पे मतलब बिछा ली थी, मतलब पापा गए थे ना उस दिन से बेड पे बेलशीट नहीं बिछा था, कि उस बेड पे कोई रहता ही नहीं है इसी की वजह से नहीं बिछा था। तो ये रेड वाला बेलशीट मैंने आज बिछाया है इस पे, तो अच्छे तरीके चारों ओर से मैं इसे मतलब मोड़ लूँगी। और उसके बाद तकिया, सब तकिया का ना खोल जो था वो फींचा गया है, वो धुला है तो वो अभी नहीं सूखा है, तो वो सूखेगा तब मैं तकिया में खोल लगाऊँगी। वो ना मच्छरदानी ऊपर ना फोल्ड करके मैं लगा लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मच्छरदानी लगाने का जगह नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे करके लगाऊं। तो दो ही काटी अभी मैंने मारा है, काटी भी नहीं मारा है क्योंकि घर में काटी भी मारने में ना सोचना पड़ जाता है कि काटी मारने से ना दीवार खराब हो जाता है, इसी की वजह से मैंने दो ही काटी लगाया है। और जैसे तैसे करके चार गो कोना मैंने लगा दिया है उसे मतलब बांधने के लिए, रोज रात में बांधने के लिए। तो जैसे तैसे काम चल ही रहा है डेली, अभी देखते हैं कब तक काम चलता है। और उसके बाद मतलब होगा तो काटी ठोकूंगी, लेकिन वो जो छोटा वाला काटी होता है ना वो ठोकूंगी, जिससे पता नहीं चलता है, चाइनीज़ काटी टाइप का होता है वो ना, दीवार में जल्दी हो जाता है चाइनीज़ काटी। परी इस बेड पे थी तो माजा था, माजा उसको पीने का मन कर रहा था, माजा का बोतल लेके ज़बरदस्ती कर रही थी, खेल रही थी, तो मैंने उसे खोल के ना परी को पिलाया था। माजा बोतल से ही पी रही है, बोतल से ही ज़्यादातर पानी भी पी लेती है, कहीं जाने आने में उसे गिलास की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसा कि वो ना दूध भी गिलास में लेके खुद ही पी लेती, मैं उसे दे देती हूँ वो घूम घूम के पी लेती, वो उतना नौटंकी भी नहीं करती जितना मतलब और सब बच्चे लोग करते हैं। ये थोड़ा बहुत मतलब मैं बोलती हूँ थोड़ा बहुत समझदार है मेरी बेटी, तो मतलब ये। और उसके बाद फिर मैं उसे पिला के उसका सारा जो बेड पे कचरा फैलाया हुआ था उसने, तो मैं उसे साफ़ करने में लग गई। तो बेड पे सारा मतलब तकियो के सब मैंने नीचे किया, फिर उस बेड को भी मैंने झाड़ा। एक रूम में ना दो दो बेड लगा हुआ है, एक बेड पे हम लोग सोते हैं, एक बेड पे पापा आते हैं तो पापा सोते हैं। एक रूम में दो बेड है और फिर अंदर वाले बेड मतलब रूम में अभी कोई नहीं सोता है, वो ऐसे ही है खाली पड़ा हुआ है। तो उस रूम वो थोड़ा सा अंदर हो जाता है ना, किसी इसी की वजह से उस रूम में कोई नहीं सोता है, कोई आते जाते हैं ना तब सोते हैं लोग। तो
उसके बाद मैं ये बेड उड सब झाड़ूंगी, उसके बाद मैं पूरे घर को झाड़ू लगाऊंगी, झाड़ू लगा के साफ़ सुथरा कर लूँगी। रात को एक बार झाड़ू लगा लेती हूँ ना तो सुबह फिर ना साफ़ रहता है, हल्का हल्का सिर्फ देना रहता है, तो इसी की वजह से मैं रात में लगाती हूँ। शाम के टाइम तो झाड़ू लगाना नहीं चाहिए, तो आप लोग को भी पता होगा शाम के टाइम किसी के घर में झाड़ू नहीं लगता है, लक्ष्मी बाहर चली जाती है झाड़ू लगाने से, तो शाम के टाइम झाड़ू नहीं लगाते। शाम के टाइम सांझ डेली घर में देना चाहिए, पूरा घर में घूम फिर के पूरा घर में सांझ एक बार सांझ बत्ती दे देना चाहिए। सब लगा लिया गाइस, तो अब मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। नीचे पूरा धूल धक्कर सब गिरा हुआ है, तो मैं झाड़ू लगा लूँगी और उसके बाद मतलब इस ब्लॉग वीडियो को यहीं पे समाप्त कर दूँगी, क्योंकि अब नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में आप लोग देखना, ये ब्लॉग वीडियो बस इतना ही तक है, और उसके बाद आप लोग से फिर से मिलती हूँ एक अच्छे से प्यारे से ब्लॉग वीडियो के साथ। आप लोग को मैं कोशिश करती हूँ, मैं मुझसे जितना हो पाए मैं करूँ, तो आप लोग से मिलती हूँ फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में, ठीक है? तो अभी तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।